मैंने आपको एक बात की कि साहब कांशीराम ने, ज्यादा नहीं कहूंगा, बात करूंगा, प्रोफेसर हूं बहुत ज्यादा बोल सकता हूं, और साहब कांशीराम ने एक बात कही थी, एक आंदोलन चलाया था, हिस्सेदारी आंदोलन, सीधे सीधे तरीके पर जो आप बात कर रहे हो उस आंदोलन का ही हिस्सा है, पार्ट है, जिसको कहा था हिस्सेदारी आंदोलन। वो क्या था? जितनी जिनकी संख्या बारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, यही आप कह रहे हो? नहीं कह रहे। आपकी संख्या कितनी है? क्या कोई बैकवर्ड क्लास बता सकता है कि उनकी संख्या कितनी है? सोच दो, सोच दो। इस देश में 1931 का सेंसस था, उसके बाद कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ। शेड्यूल कास्ट का होता, बैकवर्ड क्लास का नहीं होता। 2011 में कास्ट एंड इकोनॉमिक सेंसस हुआ, क्योंकि इसके आंकड़े सरकार के पास पहुंचते हैं, उसके आंकड़े इतने डरावने थे शासक समाज के लिए कि उन्होंने उसको आज तक जारी नहीं किया। तब ये खेल 1585 का नहीं है, लोग कहते हैं 97-98 का है, 98-99 का है ऐसा खेल। तो साथियों, मैं मांगता हूं, मैंने यही बात की, अपनी बात खत्म करने वाला हूं, मैंने एक ही बात की, पहले भी की थी, आपसे भी शायद मेरी बात हुई थी, किससे हुई थी, फोन पे, कि अगर आज के जमाने में, समय में बैकवर्ड क्लास की एक ही मांग हो तो वो होनी चाहिए जाति जनगणना। क्योंकि जिसको पता ही नहीं, कोर्ट में चले जाओ, सरकार में चले जाओ, आपसे आंकड़े मांगेंगे, है कहां? आपको पता है कि जो एक ही पॉइंट पे आप जो है जो जिम्मेदार समाज है उसकी मांग को रोकने में कामयाब हुए हैं, आंकड़े थे नहीं। तो साथियों, मेरी सबको एक ही अपील है कि इस देश की गली गली में, मोहल्ले में, हर तहसील में, हर जिले में एक परमानेंट मांग होनी चाहिए, आंदोलन होना चाहिए कि सर एक काम करो, क्योंकि सेंसस 10 साल में एक बार होता है, अब नहीं तो अगली पीढ़ी, 10 साल बाद तो आधी पीढ़ी निकल जाती है। तो एक जो मांग है, जो पुरजोर मांग होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए कि देश इसका सेंसस जो है उसमें बैकवर्ड क्लासेस की, जाति की जनगणना, इकोनॉमिक सोशल एंड कास्ट एंड इकोनॉमिक सर्वे, पता चल जाए किसके पास क्या है। इकोनॉमिक सर्वे में पता चल जाएगा कि जिसको आप बैक लोगों को कह रहे हो, जिसके ऊपर क्रीमी लेयर लगा रहे हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ने तो कभी रिजर्वेशन मांगी नहीं थी, दे दी। उनका उनका जो गरीब है 8 लाख का, इधर 6 लाख का, शेड्यूल कास्ट का 2.5 लाख का, ये कौन सा है? तो साथियों, ज़्यादा बातें ना करते हुए, सिर्फ आप लोगों से इतनी अपील करते हुए कि एक साउथ अफ्रीका में बात कहते हैं अबंतु, अबंतु का मतलब है कि अगर हमारे में किसी एक व्यक्ति को ठेस लगे तो उसका दुख सबको होना चाहिए, जो नहीं होता वो हमारे में भाईचारा की, बंधुता की कमी को दर्शाता है। इसको हमें अपने भाईचारा को मजबूत करना होगा, और जो मांग है हमारी वो जाति जनगणना की होनी चाहिए। इतनी ही बातें कहता हुआ मैं आप सबसे रजा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।